हेलो गाइज, अगर आप भी ईद के लिए अपना स्टेटस खुद का बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देख लीजिए कि हम किस तरीके का स्टेटस बनाने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको ये स्टेटस पसंद आया और आप भी चाहते हैं कि आपका भी इस तरीके का फोटो लग के आपका स्टेटस बन के तैयार हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको सारे मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको सारे मटेरियल को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना होगा काइन मास्टर एप्लीकेशन। उससे पहले क्या है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइज, अब आपको ओपन कर लेना है काइन मास्टर एप्लीकेशन। जब आप इसे ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइज, यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। ये इमेज आ गया है, कैची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पैन एंड जूम पे इक्वल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना होगा, जैसे यहाँ से मैंने कर दिया, तो आपको भी इस तरीके से कर देना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको इसकी लेंथ को बढ़ा देना है, जितनी लेंथ की आप वीडियो को रखना चाहें। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक लाइट वाली PNG को ऐड कर देना होगा। उसको आपको थोड़ा बड़ा करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी गाइज, मैं आपको बता दूँ, आपको जो भी मटेरियल का यूज़ होने वाला है वो सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके बाद शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ से आपको एक लाइट PNG को ऐड करना होगा इसको। उसके बाद नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद जैसे आपको पूरी वीडियो में कर देना है, अब आपको इसे छोटा करना होगा इस तरीके से और यहाँ पे लाके लगा देना होगा, जैसे मैंने लगाया। अब आपको इसे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट फाइल बना लेनी होगी। डुप्लीकेट फाइल को स्क्रॉल करके इधर वाली दूसरी वाली लाइट है जो, उसमें भी लगा देना होगा, जैसे मैंने यहाँ से लगा दिया है। आपको भी इस तरीके से लगा देना होगा। ठीक गाइस, अब आपको क्या करना होगा, बिल्कुल शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, आप जो भी फोटो को सिलेक्ट करें उसका आपको फोटो PNG बना लेना है, यानी कि फोटो का बैकग्राउंड आपको रिमूव करके रख लेना है। तो अगर गाइस आपको फोटो का बैकग्राउंड ईजिली और परफेक्टली रिमूव करना नहीं आता है तो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि ईजिली और परफेक्टली फोटो PNG कैसे बना सकते हैं, यानी कि फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैंने एक फोटो का बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव करके रख लिया है। मैं यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फोटो आ गया है। ही गाइस, आप भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से आपको इस तरीके से लगा देना है। अब गाइस, यहाँ से आपको बता दूँ, आप एक इस तरीके का भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन जाने के बाद इस तरीके का भी फोटो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो काफ़ी खास लगेगा देखने में, जैसा कि यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन गाइज, मैंने इस तरीके का फोटो सिलेक्ट नहीं किया, मैंने वो वाला सिलेक्ट किया, तो इसको भी आप यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके का आप स्टेटस बना सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब सिंपली यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको बिगरेट वाली PNG को ऐड कर लेना होगा। तो गाइज, यहाँ से मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे लाके नीचे आपको लगा देना होगा, जिससे दोस्तों जो नीचे आप भाग दिख रहा है छूट गया है वो नहीं दिखेगा और इससे आपका जो स्टेटस होगा काफ़ी खास लगेगा देखने में। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब गाइस, यहाँ से आपको शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मीडिया को शेयर करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले दोस्तों इस वाली PNG को ऐड करना होगा, लेक्स वाली। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस PNG को आपको पूरी वीडियो में कर देना होगा, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा थोड़ा छोटा करके और यहाँ पे लाके लगा देना होगा, जैसे मैंने यहाँ से लगा दिया है। आपको भी इस तरीके से लगा देना है। उसका लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको इस वाली PNG को ऐड कर देना होगा, इसको आपको फुल वीडियो में कर देना है। उसका छोटा करना होगा इस तरीके से और यहाँ पे लाके लगा देना होगा, जैसे यहाँ से मैं लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको आपको सेंड टू बैक
कर देना होगा, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा आपके स्टेटस में। अब आपको क्या करना होगा, आपको शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपकी वीडियो में। इसी वीडियो से आपकी वीडियो में म्यूजिक आएगा और इसी से लिरिक्स आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ से मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना होगा। इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और अच्छे से ला के यहाँ पे आपको लगा देना है, जहाँ पे भी आप लगाना चाहें, थोड़ा बड़ा करके भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी है तो सिंपली यहाँ से मैं पीछे से कट कर देता हूँ बाकी दोस्तों, या फिर दोस्तों आप अपना स्टेटस को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक दो वीडियो को और ऐड करना होगा जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपकी वीडियो में। तो गाइस यहाँ से मैं उन वीडियो को अभी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये वीडियो आ चुकी है। कैची के बराबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है। जब गाइस आपकी वीडियो फुल स्क्रीन हो जाए, सबसे पहले इसके वॉल्यूम को आपको म्यूट करना है, क्योंकि दोस्तों जो लिरिक्स वाली वीडियो हमने ऐड की थी इससे पहले, उसमें ऑलरेडी म्यूजिक दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के म्यूजिक को आपको ऑफ कर देना है। उसका शुरू में आना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तब गाइस यहाँ से कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा और आपका स्टेटस काफ़ी खास बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो से लुक बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा आपका स्टेटस का। उसके बाद शुरू में आना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक और कलर इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं उसे भी कर लेता हूँ। ये वाली वीडियो आ चुकी है। कैची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। इससे भी काफ़ी तकड़ा लुक आ जाएगा और ये वीडियो बढ़िया, तो सिंपली आप इसको भी पीछे से कट कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम को भी आपको म्यूट कर देना है। तो गाइस यहाँ से आपका स्टेटस काफ़ी कमाल का बन के तैयार हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, आप गाइस यहाँ से कोई और भी फोटो को ऐड कर सकते हैं, आपका स्टेटस काफ़ी कमाल का ही लगेगा। अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको बॉर्डर लगाना होगा, तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद बॉर्डर PNG को यहाँ से आपको ऐड कर लेना होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितना भी बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर लिया मैंने इस तरीके के स्टेटस को बनाने में, तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे मटेरियल को सिर्फ एक क्लिक में आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से बॉर्डर PNG भी आ चुकी है। कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसे फुल स्क्रीन कर देना है। स्क्रॉल करके आपको उसे पूरी वीडियो में कर देना है। नीचे आना होगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो गाइस यहाँ से हमारी वीडियो में बॉर्डर भी लग चुका है, लिरिक्स भी लग चुके हैं, म्यूजिक भी लग चुका है, इफेक्ट भी लग चुके हैं, यानी कि हमारा स्टेटस कुल मिला के पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, वो भी बहुत ही कमाल का। अब आपको क्या करना होगा, इस स्टेटस को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। है त्योहार, तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार।